अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ थर्सडे 13th August 2020। हम लोगों का जो लेक्चर आजकल चल रहा था वो था ज़री पॉलिसी या ज़री पॉलिसी हुकूमत के ज़री पॉलिसी के आलातकार, मॉनेटरी इन्फ्लुएंस ऑन द इनकम डिटर्मिनेशन, आमदनी के तयन पर ज़री असरात। और इसमें हम लोगों ने देख लिया था कि ज़री पॉलिसी से क्या मुराद है। तो मैंने आपको बताया था कि ज़री पॉलिसी से मुराद मरकज़ी बैंक की पॉलिसी है नोट जारी करने के बारे में, जिसमें मरकज़ी बैंक मईशत के हालात देखते हुए गर्म बाजारी है या सर्द बाजारी, उसके मुताबिक नोट की ज़र की रसद को कम या ज़्यादा कर रहा होता है, ताकि मईशत में ना बहुत ज़्यादा गर्म बाजारी आए और ना बहुत ज़्यादा सर्द बाजारी के हालात पैदा हों। उसके अलावा हम लोगों ने ज़री पॉलिसी के हालात कार के बारे में पढ़ा, टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। और इसमें हमने बताया कि ज़री पॉलिसी के हालात कार या टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, क्वान्टिटेटिव मेजर्स या मकदारी तरीके, क्वालिटेटिव मेजर्स या मयारी तरीके। मकदारी तरीके ये वो तरीके होते हैं जिनके ज़रिए से बराह रास्त ज़र की रसद को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, और ज़र की रसद को कम या ज़्यादा करने के बाद ज़री पॉलिसी को मुअस्सर बनाया जाता है। इसमें शामिल था बैंक रेट पॉलिसी या शरह बैंक की पॉलिसी, उसके अलावा खुले बाज़ार का अमल या ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंजेस इन द रिज़र्व रेशो, महफूज सरमाए के तनासब में तब्दीली, राशन बंदी या क्रेडिट राशनिंग। आज हम लोगों ने मयारी तरीके या वस्फी तरीके पढ़ने हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, वस्फ क्या होता है, वस्फ होता है किसी चीज़ की खसूसियत, ठीक है, क्वालिटी। तो जो मयारी या वस्फी तरीके होते हैं या क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, ये तरीके ज़र की मकदार को कम या ज़्यादा नहीं करते, बल्कि अपने खसूसियात के लिहाज से सार्फीन के रवैये के अंदर ऐसी तब्दीली लेकर आते हैं कि जिसके ज़रिए से लोग ज़र की तलब को कम कर देते हैं। जिस किस्म की भी पॉलिसी मरकज़ी बैंक लाना चाहता है, ज़र की रसद को कम करना चाहता है या ज़्यादा करना चाहता है, तो इस तरीके से लोगों के रद्द अमल के ज़रिए से या लोगों की कैफियत के ज़रिए से ज़र की रसद को कम या ज़्यादा किया जाता है। इनमें सबसे पहले क्या हो जाता है जी, इखलाकी अमील, इखलाकी अपील या मॉरल परसुएशंस। इखलाकी अपील क्या है कि मरकज़ी बैंक तिजारती बैंकों पर इखलाकी दबाव डालता है और इन्हें मजबूर करता है कि वो इसकी पॉलिसी पर अमल करें और मुल्क में दरपेश मसाइल को हल करने में सेंट्रल बैंक या मरकज़ी बैंक की मदद करें। अगर तिजारती बैंक मरकज़ी बैंक की पॉलिसी पर कोई अमल नहीं कर रहे होते तो वो मरकज़ी बैंक तिजारती बैंकों से मॉरल अपील करता है, उनसे कहता है जी कि मुल्क के हालात इस किस्म के हैं कि अब हमें ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए, फ़र्ज़ करें इफ़रात ज़र है तो ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए कि जिसके ज़रिए से ज़र की रसद को कम कर दिया जाए, या अगर तफरीत ज़र है तो उनको समझाया जाए, उनसे अपील की जाए। अपील का क्या मतलब होता है, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि जी ज़र की रसद को हम कम कर देते हैं क्योंकि हमारी मईशत के हालात ऐसे जा रहे हैं, और अगर तफरीत ज़र के हालात हों तो उसके मुताबिक ज़र की रसद को बढ़ाने के इकदाम किए जाते हैं। रास्त इकदाम या डायरेक्ट एक्शन, रास्त इकदाम या डायरेक्ट एक्शन क्या होता है कि अगर कोई तिजारती बैंक मरकज़ी बैंक के साथ ताबुन ना करे या इसकी पॉलिसी पर अमल ना करे तो मरकज़ी बैंक इस बैंक को रास्त इकदाम की धमकी दे देता है, जिसके तहत वो इसे कर्ज़ा देने से इनकार कर देता है, या फिर वो उसको इस चीज़ की धमकी देता है कि वो उसके ख़िलाफ़ डायरेक्ट एक्शन ले लेगा।
कि वो उसको अपनी फहरिस्त से निकाल देगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो शेड्यूल्ड तजारती बैंक होते हैं, उनको मरकज़ी बैंक की तरफ से बहुत सारे फवायद हासिल हो रहे होते हैं। तो अगर वो ऐसा कहता है कि जी वो उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन ले लेगा या रास्त इकदाम की पॉलिसी इख्तियार कर देगा, उसको कर्ज़ा नहीं देगा या उसको अपनी फहरिस्त से निकाल देगा और इस तरह की धमकी देकर वो उसे मजबूर करता है कि वो उसकी पॉलिसी के ऊपर काम करें। उसके अलावा क्या है जी, इश्तहारबाजी या पब्लिसिटी, कि मरकज़ी बैंक इश्तहारबाजी के ज़रिए से भी अफराद ज़र को कंट्रोल करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तहार आपने देखे होंगे, टीवी पे चलते हैं, रेडियो पे चलते हैं, जिसके ज़रिए से लोगों को मोटिवेट किया जाता है। जैसे अगर डिफरेंट किस्म की सेविंग स्कीम्स लेकर आते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म बॉन्ड्स के, मुख्तलिफ़ मालियत के बॉन्ड्स होते हैं जिनके बारे में लोगों को मोटिवेट किया जाता है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर तफरीते ज़र के हालात हैं तो वो इस किस्म के इश्तहारात चलाता है मरकज़ी बैंक, अवाम के ज़रिए अवाम को किसी भी तरह से मोटिवेट किया जाता है या अवाम को किसी भी तरह से इस चीज़ की खबर दी जाती है कि ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ मौजूद हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो उन बॉन्ड्स को, इन सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक ने इनामी बॉन्ड्स के ज़रिए से करोड़ों रुपया गर्दिश से निकाल लिया है। लोगों ने इनाम के लालच में बॉन्ड ख़रीद रखे हैं और इस तरह से पैसा गर्दिश से निकलकर बैंक के पास पहुंच गया है। इश्तहारबाजी के ज़रिए मरकज़ी बैंक लोगों को बचत की तरगीब भी देता है। सेविंग स्कीम्स जो लाई जाती हैं तो उनसे ये कहा जाता है ना कि आप अपने फ्यूचर के लिए सेव करें, बच्चों की शादियों के लिए सेव करें, उनकी एजुकेशन के लिए सेव करें। यानी इसमें क्या किया जाता है कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है, इश्तहारबाजी के ज़रिए से लोगों को रागिब किया जाता है। जिस किस्म की पॉलिसी भी मरकज़ी बैंक लाना चाहता है, ज़र की रसद को कम करना चाहता है या ज़्यादा करना चाहता है। उसके अलावा कर्ज जारी करने की हद मुख्ततम में तब्दीली या चेंजेस इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, इस तरीके के तहत बैंक मुख्तलिफ किस्म की ज़मानतों पर जो कर्ज़े जारी करता है, इस सूरत में कर्ज़ा जारी करते वक्त इन ज़मानतों की मालियत को कम कर दिया जाता है। इस बाहमी फ़र्क को हद मुख्ततम कहा जाता है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स या मार्जिन ऑफ रिक्वायरमेंट्स या कर्ज जारी करने की हद मुख्ततम क्या होता है कि अगर मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों को ज़मानतों पर, मुख्तलिफ ज़मानतों पर जो कर्ज़े जारी कर रहा होता है, एक तो एक्चुअल शरह होती है जिसके ऊपर वो कर्ज़े जारी कर रहा होता है, लेकिन जिस वक्त मरकज़ी बैंक चाहता है कि वो तजारती बैंकों को मजबूर करे कि वो अपने कर्ज़ों की, उनके कर्ज़ों की शरह को बढ़ाना चाहता है, तो वो इस हद मुख्ततम को कम कर देता है। ठीक है, अब जो एक्चुअल शरह उसने रखी होती है और वो शरह जो वो उनसे कर्ज़ा जारी करते वक्त दे रहा होता है, ठीक है, ज़मानतों की वो शरह जो एक्चुअल शरह होती है और ज़मानतों की वो शरह जिसके ऊपर वो उनको कर्ज़े दे रहा होता है, इस बाहमी फ़र्क को हद मुख्ततम कहा जा रहा होता है। मसलन एक मकान की मालियत 10 लाख रुपए है और बैंक इसकी मालियत को 8 लाख तसव्वुर करते हुए 8 लाख के बराबर कर्ज़ा देता है, तो ये 2 लाख के बराबर हद मुख्ततम, यानी एक्चुअल उसकी वैल्यू क्या है उस ज़मानत की। लेकिन मरकज़ी बैंक जिस किस्म के भी हालात होते हैं, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें मनी सप्लाई को कम करना चाहता है तो उस हद मुख्ततम को वो कम कर देता है, उसकी वैल्यू को कम कर देता है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए उसकी हद मुख्ततम होती है। इफ़राते ज़र कंट्रोल करने में बैंक इस हद मुख्ततम को बढ़ा देता है ताकि कम कर्ज़े जारी हो सकें, और तफरीते ज़र के दौर में इस हद मुख्ततम को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा कर्ज़े जारी हो सकें। उसके अलावा क्या होता है जी, रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर्स क्रेडिट या इंतखाबी कंट्रोल का तरीका, कि इसके ज़रिए से लोगों की कंजम्पशन को, खर्च करने के तरीके को मुतासर किया जाता है। किस तरह से मुतासर किया जा सकता है, लोगों की कुव्वत ख़रीद के मुताबिक, उनकी परचेजिंग पावर को इफ़ेक्ट करके। ये तरीका इन अशिया की खरीदो फरोख्त पर ज़्यादा असरअंदाज होता है जो लोग किस्तों पर ख़रीद रहे होते हैं। इफ़रात ज़र में बाज़ अशिया की
ख़रीद की हौसला शिकनी हो जाती है। कीमतें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत महंगाई हो जाती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सार्फिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होती, उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं होती, तो वो उसको नहीं ख़रीदते। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि हुकूमत जो है वो ऐसी पॉलिसी मरकज़ी बैंक की तरफ फॉरवर्ड करती है जिसके ज़रिए से लोगों को इन चीज़ों को ख़रीदने की तरफ मोटिवेट किया जाता है और उनको कहा जाता है कि वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, एक साथ के ऊपर चीज़ें ख़रीदें। ऐसी अशिया की फ़रोख्त पर पहले एक साथ ज़्यादा वसूल की जाती है और बाद में किस्तों की तादाद कम कर दी जाती है। वैसे भी अगर आप देखें इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो जो आपकी पहली अदायगी होती है ना, जिसको ओन कहते हैं, जिसको डाउन पेमेंट कहते हैं, ठीक है। अब अगर इफ़राते जाना ना, तो डाउन पेमेंट ज़्यादा ले ली जाएगी और बाकी जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से लोगों की पास अगर, जैसे मैं कह रही हूँ कि इफ़राते ज़रा ना, और मरकज़ी बैंक की पॉलिसी है कि उसने सर्कुलेशन ऑफ मनी को कम करना है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो डाउन पेमेंट को बढ़ा देगा, और अगर तफरीते ज़रा है तो डाउन पेमेंट को कम कर देगा ताकि लोगों को मोटिवेशन हो कि वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदें। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि जिसके ज़रिए से सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक उनको, उनके परचेजिंग पावर को इफ़ेक्ट किया जाता है और उसके ज़रिए से फिर मॉनेटरी पॉलिसी को इफ़ेक्टिव बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक ही है, बाकी हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे।